योजना को सभी राज्यों में ठीक से चले इसके लिए हमारी एक मैकेनिज्म व्यवस्था है। विशेष करके जब कभी कुछ आपत्ति आएगी, कुछ समस्या आएगी, उसको निगरानी करने के लिए जॉइंट रिव्यू मिशन की व्यवस्था है। पिछले दिनों में हमने बंगाल सरकार को कहा था कि जॉइंट रिव्यू मिशन बंगाल में भी होना चाहिए, लेकिन इन दिनों में बहुत सारे आपत्ति पीएम पोषण को लेके अखबारों में भी आई है, राष्ट्रीय अखबारों में भी आई है। और यहाँ के हमारे शुभेंदु अधिकारी जी ने एक विस्तार पिटीशन दिया है भारत सरकार के सामने। इसको संज्ञान में लेते हुए विभाग ने जॉइंट मिशन जेआरएम व्यवस्था को लागू किया है। एक्सपर्ट्स उसमें रहेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट रहेंगे, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, राज्य सरकार के अधिकारी भी रहेंगे। जिस प्रकार के विषय सब सामने आए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी पर्पस, ये सारा विषय को व्यापक तर्जमा किया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा। एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस हम लोगों ने भी रखा है, जल्द ही उसकी रिपोर्ट आना चाहिए। जॉइंट रिव्यू मिशन को बंगाल सरकार भी कोऑपरेट करें। आखिर भारत सरकार की स्कीम देश की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण और उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो उसके लिए योजना है। सर, रिक्रूटमेंट इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी भी की भी सरकार हो, ये गंभीर बात है। जॉइंट रिव्यू मिशन अपना काम करेगी। रिक्रूटमेंट स्कैम ऑफ बंगाल, इसीलिए तो जेआरएम बनी है। आप लोगों ने सब उसको संज्ञान में ले लिया है, इसलिए इसके ऊपर हम लोग एक एक्सपर्ट कमेटी की रिव्यू करेंगे। सर, रिक्रूटमेंट स्कैम बंगाल में, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम लेके बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ के एक एजुकेशन मिनिस्टर वो जेल के अंदर है। ये ओवरऑल देख के आप बीइंग ए सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, यहाँ तो स्थिति सरकारी व्यवस्था काम नहीं कर रही, जिस प्रकार की भ्रष्टाचार बंगाल सरकार की नीति बनी हुई है, ये बहुत चिंता करने लायक विषय है। डेमोक्रेसी में इसके खिलाफ पब्लिक अवेयरनेस खड़ा करना, फिर अगले चुनाव में उनको परास्त करना, यही विपन है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई इस काम पे बड़े सघनता के साथ लगी है। मेरा पूरा विश्वास है इसकी सफलता मिलेगी। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए देश भर में अनेक कार्यकर्ताओं को लोकसभा प्रवास योजना में भेजती है। हमें भी बंगाल की 4 लोकसभा की दायित्व है। मैं उसी सिलसिले में लगातार बंगाल की दौरे में रहता हूँ। आज उसी कड़ी में कोलकाता साउथ की संगठनात्मक प्रवास के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलूँगा, यहाँ के संगठन की बूथ स्तर पे उसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे किया जाएगा। भारत सरकार की अनेक स्कीम मोदी जी की विजन से लागू हो रहा है, उसकी क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, जिससे मैंने कहा कि पीएम पोषण हो या अन्य भारत सरकार की स्कीम हो, बंगाल में उसकी ठीक से लागू नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ संगठन को भी तैयारी करना पड़ेगा। उसके अलावा बंगाल की जो महिला, युवा, गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों की अपेक्षा आकांक्षा है, उसकी आवाज़ बीजेपी बने, इसके लिए संगठन को तैयारी कर रहे हैं।